हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली। फ्रेंड्स, आज का जो रूटीन है वो कोई ख़ास तो नहीं, ख़ास है, क्यों नहीं है ख़ास है, क्योंकि मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी उसी का ही पार्ट है जो आगे बढ़ेगा। और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो ज़रूर बताएंगे कि क्या था और क्या आने वाला है। ठीक है, सस्पेंस कह लो, या मतलब आपका पता चल जाएगा कि आप लोग कितना मेरी वीडियो देखते हैं या ऐसे ही कमेंट कर देते हैं सिर्फ नाइस और ब्यूटीफुल लिख करके, क्योंकि नाइस और ब्यूटीफुल ही सब कुछ नहीं होता है देखो वीडियो में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। नाइस और ब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि हमने वीडियो खोली और नाइस लिख दिया, अपना हाथ उंगली अपनी फिंगर उठाई और अपना फटाफट बस नाइस लिख दिया या ब्यूटीफुल लिख दिया। आप उस वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो बताइए। अगर आप हमारे ये सच्चे वेलविशर हैं तो, और अब वेलविशर क्या, अब तो सभी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं YT से, तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे YT फ्रेंड्स हैं वो सभी ही, मतलब उनका अपना एक पर्सनल है घर, तो सब देखते हैं। तो अब उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हम गलत ही बनाते हैं, ऐसे कोई नहीं था कि प्रॉपर हो हर कोई। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं उसमें क्या है कि नाइस लिख दिया, ब्यूटीफुल लिख दिया, तो नाइस ब्यूटीफुल क्या है? एक बार बताइए, अगर हमने दाल बनाई है तो नाइस बन गई या ब्यूटीफुल बन गई? भाई वो एक तरीका होता है, वे ऑफ होता है कहने का। वो चीज़ें ना ऐसे फॉर्मलाइजेशन लगती है हर चीज़ की, कि जैसे कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा हो, तो वो फॉर्मेलिटी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो जो चीज़ है तो सही लिखिए और गलत है तो गलत। ये नाइस ब्यूटीफुल का कोई मैटर नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, मैं भी अगर कभी करती हूँ तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि मैं क्यों लिख रही हूँ ये नाइस या ब्यूटीफुल। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो जो जो चीज़ें हैं उस चीज़ को तभी तो पता चलेगा जब हमने देखा है। और जो ये कहते हैं फुल वॉच हमें पता चल जाता है अपना YT से कि हमारा फुल वॉच किया है या नहीं किया है, तो हमें वो भी पता चल जाता है। आप लोग ये कहते हैं ना फुल वॉच किया या न्यू फ्रेंड है, वो भी हमें पता चल जाता है न्यू फ्रेंड से क्या कहाँ कैसे बने हैं। तो ये चीज़ें मत किया करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सोशल मीडिया पर मुझे तो अच्छी नहीं लगती। देखो, सब मेरे जैसे आदत के लोग नहीं होंगे लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, चाहे मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं गलत तरीका नहीं अपनाऊंगी किसी के साथ भी। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसको बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं वो भी नहीं करना मेरे साथ। अगर आप मेरे नहीं फ्रेंड बनना चाहते तो मत बनो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही आपको, लेकिन अगर बनो तो दिल से बनो। मैं देर सवेर कभी भी, चाहे मुझे एक दो दिन हो जाए, कई बार ऐसा होता है, देखो हम लोग हाउस वाइफ हैं, घर में इतना काम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है कि कई बार हमारे फ़ोन की MB भी ख़त्म हो जाती है, पूरा डाटा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा फ़ोन बच्चों के भी हाथ में होता है, हमारे हाथ में तब आता है जब बच्चों का वर्क कंप्लीट हो जाता है। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्रीली हमें मिल जाता है मॉर्निंग से ही, तो मज़े आ जाते हैं, उस दिन हम तुरंत कर देते हैं। लेकिन मैं मैसेज करती ज़रूर हूँ, चाहे एक दिन हो जाए चाहे 2 दिन, मोस्टली मैं करती हूँ। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो मेरे जानते होंगे अच्छी तरह से कि अगर मैं YT पे हूँ और कोई मेरा YT फ्रेंड है तो मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करती हूँ। तो मुझे भी ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, जो ये दो मुंह वाले फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो मेरे अपने न्यू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो मेरे पुराने हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियो देखते भी हैं, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। इतनी तो उम्मीद मैं कर सकती हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो मिलिए और बताइए मुझे, फिर हम अपने आगे की वीडियो में देखते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मॉर्निंग से ही रूटीन, और वीडियो स्पेशल है। जिन्होंने मेरी कल वीडियो देखी होगी वो तो समझ गए होंगे कि क्या है, क्या दिखाने जा रहे हैं अनु जी। तो देखिए, ये मैंने पहले बता रही हूँ, ये मेरा पनीर बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एक ही चीज़ से 2 चीज़ें अपना यूज़ कर निकालती हूँ, मलाई से, क्योंकि मैं पहले मलाई से मक्खन निकालने के बाद मैं उसको जमाती नहीं हूँ, और जो मलाई होती है मैं उससे ही पनीर बना लेती हूँ, तो मेरे 2 काम हो जाते हैं बढ़िया। कई बार ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब उसको मट्ठा नहीं बनाती, मैं कई बार मट्ठा बना लेती, मतलब वेस्ट नहीं जाने देती मैं मलाई के दूध को, या तो मैं उसे जमा करके दही छाए जो भी है मट्ठा वो बना लेती हूँ, तो उसकी फिर हम घर में यूज़ कर लेते हैं। और आज मैंने बनाया है पनीर, तो मैं कहा चलो पनीर बना लेते हैं। तो मैंने देखो इसमें डाली थी टाटरी, मैं टाटरी मंगा लेती हूँ और ये बहुत बढ़िया बन जाएगी। मैंने दोनों ही जगह की जो मलाई का दूध था वो इकट्ठा कर लिया था, और देखिए धीरे 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 ये बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि नींबू से क्या होता है कि खट्टापन आ जाता है पनीर में।
लेकिन इससे खट्टापन नहीं आता और सॉफ्टनेस भी बनी रहती है जैसे मार्केट से आता है। और देखिए मेरा पनीर धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है और अब थोड़ी देर में बन जाएगा। और एक बात और है, अगर आप लोग इसे कभी ट्राई करो तो हमेशा गर्म पानी या गर्म दूध में ही टार्टरी को भिगो करके उसका पेस्ट बना लेना, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में डालते हो उसको या ठंडे दूध में डालते हो तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो फटेगा ही नहीं दूध, उसका पनीर नहीं बनेगा। वो हमेशा गर्म पानी में या गर्म दूध में ही डालने से होता है। ये देखिए इसके कैसे पीसेस बनने लगे, और जब मैं इसे इकट्ठा करूँगी तब देखना। अभी स्टार्टिंग थी, मैंने पूरी तो नहीं टाइम की बनाई, लेकिन क्योंकि मैं दूध पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए, और ये बन बन करके बढ़िया एकदम काफ़ी डार्क बन जाएगा, काफ़ी मतलब इकट्ठा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में देखो पानी सा आने लगा ना नीचे, बिल्कुल दूध के येलो प्रपोर्शन आ गया, पानी नीचे रह गया। ये देखिए मेरा पनीर अब ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा इसको घुमाऊँगी जिससे वो नीचे बैठा हुआ भी ऊपर आ जाए टार्टरी। और देखिए मेरा पनीर है, देखिए बन गया ना बिल्कुल पनीर। और मैं इसको टाइट बांध करके, क्योंकि गर्म है ठंडे पानी में नहीं डालना, क्योंकि ठंडे पानी से एकदम टाइट हो जाता है पनीर, तो मैं गर्म को ही इसमें अच्छे से गांठ लगा दूंगी और इस पर ऊपर कोई बड़ी मोटी चीज़ रखूँगी जिससे कि इसमें बैलेंस बना रहे, पानी ना रहे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं लेकिन कम भी नहीं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसमें पानी ही रहे पनीला, इसको शेप मिल जाएगी एक। और मैं अभी क्योंकि बहुत गर्म है तो मैं इसको धीरे धीरे करूँगी और ये बढ़िया पनीर बन जाएगा। इसके ऊपर मैं मोटा रख दूँगी कुछ बर्तन वगैरह जिससे इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहे। देखिए गर्म है तो मैं बार बार हाथ जल रहा था, पर खैर ठंड में तो नहीं, मैं ठंड में तो कर लेती हूँ गर्म चीज़ों को हाथ लगा लेती हूँ, इतनी ठंड होती है, हम लेडीज़ के 24 घंटे पानी में ही हाथ रहते हैं, तो अब ये तो है नहीं कि हम बार बार गर्म करेंगे पानी। ये मेरा हो चुका है पनीर रेडी। ये देखिए मेरा पनीर हो चुका है रेडी, और अब मैं इसे थोड़े से पानी में करके रखूँगी क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टनेस बन आ जाएगी। अभी मैंने निकाला है कपड़े से अरेरा, और मेरी एक टाइम की सब्ज़ी तैयार। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। चलो क्यों ना मैं लगे हाथ आपको सब्ज़ी भी दिखा दूँ। और देखो ये है मेरी रोटियाँ काले गेहूँ की, जो मैंने बताई थी ना शुगर फ्री गेहूँ, तो ट्राई करके देखा है कि चलो देखते हैं कैसे बनते कैसे नहीं, तो आप बताना। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।